हाँ चैप्टर फाइव वहां पर हमने चैप्टर सिक्स कंप्लीट कर लिया था। इस पर ये जो हमारा चल रहा है और मैं जब कॉलेज से मैंने लिखे हैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, मुझे शेयर करना भूल गया था, खुद आप ही ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना, टाइप कर लेना अपने मैनेजर कॉलेज से। और दूसरा जो हमारा एचटीएमएल चैप्टर 6 है क्राफ्ट पर्सन वाला, उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर चैप्टर से हटाने हैं, तो एक चैप्टर 6 हटा देंगे हम, उसका जो टाइटल है उस चैप्टर का वो मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ। कौन से ट्रेडर से क्राफ्ट पर्सन से, ये वाला चैप्टर हमने हटा रखा है, इसे नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं ट्राइब्स एंड नोमैड्स वाला, ट्राइब्स एंड नोमैड्स एंड कम्युनिटीज, ये चैप्टर 7 है हिस्ट्री में। उसके बाद चैप्टर 8 और 9 में रखे हैं, चैप्टर 10 पर पढ़ाएंगे। 30% सिलेबस आपका रिमूव करना है उस रिप्लेस में, आपके यहां 7 10 चैप्टर है तो केवल कुल मिला के 7 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें से जो रिमूव चैप्टर है मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 6 है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, तो रिमूव द चैप्टर ये पर मैं लिख दे रहा हूं, रिमूव द चैप्टर हिस्ट्री के, तो चैप्टर 6 9 6 8 और 9 होगा, 6 8 9, ये 3 चैप्टर्स हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और उसके बाद पढ़ाने वाला चैप्टर 1 7 है, इसके बाद से 10 चैप्टर होगा। तो हर वहां भी ऐसी है सिलेबस और नागपुर में भी, जैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन सिलेबस है, लगभग 9 मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। बस ये हो गया। तो यहाँ पर जो मतलब आपको शायद नाइन चैप्टर में पढ़ाना है, टेन नहीं पढ़ाना है, और मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, ठीक है क्या हो गया। अच्छा हाँ भाभी बताएं क्या कर रहे हैं। सर आपके जो सर और सब्जेक्ट से सर उनमें से भी चैप्टर्स माइनस होंगे? हाँ जूम करना है, 70% आपको पढ़ाना है, तो ये सीबीएसई का सर्कुलर सर वो है। भी सर वो भी सर हाथ के लिख दीजिए सर, ज्योग्राफी और सिविक्स के रिमूवल चैप्टर्स। अच्छा तो मैं आपको सिलेबस नहीं बना करके पीडीएफ को दे दूंगा, ठीक अच्छा। है। ओके सर कंफर्म नहीं हो, हमने 9 चैप्टर रिमूव किया 10 किया है करके, तो मैंने ओके ये सर बना रखा है, उसका मैंने टाइप करके रख रखा है, आपको पीडीएफ फॉर्म उसका मुझे भेजना है, ओके सर क्योंकि वो थोड़ा हमने रिचेक के लिए रखा है, आगे कोई अदर से किसके द्वारा चाहिए होता है कि हमने लिख किया क्या नहीं किया करके, इसलिए थोड़ा मैंने वो रखा है। अच्छा अदर दिया क्या ये दो महीने पहले लगभग, तो वो थोड़ा डिस्कस होता है, क्लियर। ओके सर आज का जो चैप्टर है फिर वो चैप्टर 7 है हिस्ट्री का, ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो अब बात आते हैं कि जो ये ट्राइब्स ये टाइटल जो दिया गया है इसके साथ ही दिया गया करके, तो ट्राइब्स मींस जो ट्राइब्स से पीपल है, आपके यहां कौन सा सेंटेंस में डिफाइन करके दिया जाता है, आप ट्राइबल ग्रुप किसे डिफाइन करते हैं, ट्राइब्स ग्रुप ट्राइब्स कौन होते हैं, इसी को इसे जनजाति कहते हैं। प्रधानमंत्री वाली जनजाति मींस ऐसे लोग जो समाज में बिल्कुल अलग रहते हैं, कॉमन सोसाइटी से अलग रहते हैं, समाज के लिए फुल रेगुलेशन नहीं आते हैं और उनमें कोई सोशल डिफरेंस भी नहीं होता है। अगर आप कॉमन सोसाइटी की बात करेंगे तो हम वहां पर सारे सोशल डिफरेंस मिल जाते हैं, रिच है पुअर है और कास्ट है उसमें हाई कास्ट है लो कास्ट है, इस तरह के डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। जब हम ट्राइबल ग्रुप की बात करते हैं देन हियर आर नो एनी डिफरेंस, नो एनी इक्वलिटी इन द सोसाइटी, द ट्राइबल पीपल वर बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉमन सोसाइटी, दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड दे वर लिविंग द लाइफ ऑफ द नोमैडिक। अब नोमैडिक क्या होता है, नोमैड से लिखा है, नोमैड से मतलब होता है कि जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, नोमैड्स है, नोमैड्स है, नोमैड्स में जो घुमंतु जीवन जो उनका देते हैं हम, शिफ्टिंग शिफ्टिंग लाइफ, शिफ्टिंग लाइफ, इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, कभी
इनने क्या करना है, अभी ये रहेंगे आपके जैसे कहीं पर ये एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके बाद वहां पर एग्रीकल्चर उनके होगी तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को नोमैड्स कहते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले नोमैड्स हो गए, ट्राइबल नोमैड्स कहा गया है। तो ऐसी जनजातियां जो एक जगह पर नहीं रहती है उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। और नोमैड्स का जो अपोजिट वर्ड है वो सेटल्ड है, नोमैड्स का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, सेटल्ड। जो क्या करते हैं अपनी हंटिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं, जो जल्दी वाइल्ड एनिमल्स है उसका शिकार करना और वाइल्ड रिसोर्स को गैदर करना। जब हमारे पास क्या थी पूरे इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जगह जगह फैले हुए हैं। अब यहाँ पर हमें केवल इंडिया के जो ट्राइबल ग्रुप है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्हें जो समाज में जो नई नई चीजें आ रही है, नई नई आ रही है, इनोवेशन आ रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे लोग क्या है इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, अनभिज्ञ है उससे। दे डोंट नो अबाउट द इनोवेशन इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। समाज में क्या हो रहा है, कितने क्या हो गया है, इन्हें उससे कुछ मतलब नहीं, उन्हें हमने ट्राइबल ग्रुप कह दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, ये जो फर्स्ट लिटरेचर है, मेनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मिन्स। मतलब क्या हो गया, समाज में कुछ ऐसे हमारे ग्रुप्स है जो ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब ब्राह्मण के रूल्स कौन से हो गए, आप पहले ऐसी कौन सी सोसाइटी है भाई जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, उनके अपने रूल्स हैं। अब ब्राह्मण के रूल क्या हो गए, उसमें जब हमने लेटर वैदिक प्लेट पढ़ा था सिक्स में, वहां पर ब्राह्मण के रूल क्या थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण केवल क्या करेंगे, टीचिंग प्रीचिंग वर्शिपिंग ये वाले काम करेंगे कहा था। ब्राह्मण जो क्षत्रिय होंगे वो काय में जाएंगे, वो डिफेंस वाले मैटर में जाएंगे, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए देश की सुरक्षा करेंगे, और जो वैश्याज होंगे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, व्यापार करेंगे। शूद्रराज क्या करेंगे, शूद्रराज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन सबकी सेवा में लगे रहेंगे, इसलिए उसे लोअर कास्ट कहा गया। अब ये क्या है, जो हमें ट्राइबल ग्रुप है यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषिमुनियों के बनाए हुए यहाँ कोई नियम नहीं चलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स कर्मकांड प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मिन्स। तो ब्राह्मिन्स का जो पहली पोस्ट थी बहुत हायर पोस्ट पर थे ब्राह्मिन्स, समाज में सब निर्देशक सब प्रदर्शक हायर ऑफ द सोसाइटी ब्राह्मिन्स हुआ करते थे, इसलिए ब्राह्मण पोस्ट में क्या था हायर पोस्ट थी। अब आजकल जो हमारे जो लोअर कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ब्राह्मण से क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण से हैं जो क्षत्रिय हैं जो वैश्य हैं उन्हें आजकल क्या होता है बड़ा दुख तकलीफ होता है। जबकि ब्राह्मण के कारण ही क्या हो गया, ये जो लोअर कास्ट हम जिनको कह देते हैं एस सी एस टी, वो इतने बिलो में चले गए हैं, डेथ में चले गए हैं, उनके अपने रूल चलते रहे, तो यह हो गया। दूसरा कारण क्या है, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स है नॉर दे वर डिवाइडेड इनटू द numerous unequal classes। अब classes कौन कौन सी हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाई क्लास लो क्लास रिच एंड पुअर, इधर द क्लासेस। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ऐसे कोई क्लासेस में डिवाइडेड नहीं है, दे आर नॉट डिवाइडेड इन द numerous unequal classes, unequal means difference। तो कौन से पॉइंट है डिफरेंस नहीं, वो सब क्या है, सारे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं एक से हैं, वो सब अपने हिसाब से उनका अपना कोई लीडर होगा वो सबको लीड करता है। ये क्या हो गया, हमने
ये प्राइवेट ग्रुप्स आ गए। थर्ड सेंटेंस पे लिखा है सच सोसाइटीज आर कॉल्ड द ट्राइब्स। इस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए रूल्स और हाई और लो वाली कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हैं और समान सब एक समान भाव से रहते हैं और वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ चीज का अभाव नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ट्राइबल ग्रुप्स कह देते हैं। और जो कॉमन सोसाइटी से दूर रहते हैं जो कि जनरल पर डिपेंड है पॉलिटिकल प्रोडक्ट पर, दे आर कॉल्ड द ट्राइब्स। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखा है मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब वर यूनाइटेड बाय द किनसे बॉन्ड्स। अब किनसे बॉन्ड क्या हो गया, जो उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, हेड ऑफ द फैमिली द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, उसे किनसे बॉन्ड कहा गया। तो मेंबर्स ऑफ द ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय द किनसे बॉन्ड। तो फैमिली के किसी भी में कोई हेड होता है उस फैमिली के ऊपर किसी ग्रुप का प्रभाव देखा जाता है, उसे किनसे बॉन्ड कहा गया है। और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं दे वर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसमें एक नया सेंटेंस लिखा था मेनी ट्राइब्स ऑब्टेंड देयर लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेंड देयर लिवलीहुड ऑब्टेंड देयर लिवलीहुड livelihood from agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो उन्हें होना ही होना है, जो वो कोई ऐसी नौकरी नहीं करते हैं जैसे कॉमन पीपल नौकरी कर रहे हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं अदर्स और हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, जो अदर कम्युनिटीज है ये अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि वो क्या है, हंटर गैदरर्स हैं या क्या है, ये हर्डर्स हैं। हर्डर मींस जो एनिमल्स को पालते हैं, टेमिंग द एनिमल्स। अदर्स और हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स, हर्डर्स में से जो एनिमल्स को पालते हैं, ये हो गया। अब जो ट्राइबल ग्रुप है, अब जो ट्राइब्स हैं उसके बारे में आप फाइव सेंटेंस इजी लिख सकते हैं। यहां पर हमें क्या करना होता है, ट्राइबल ग्रुप को डिफाइन करना वन सेंटेंस में भी नहीं आता है, मात्र हम उस पर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों लिख सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। जैसे हाँ कुशाग्र, यस सर जी, आपका एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है हमें। सर सर किनशिप बॉन्ड्स क्या कहते हैं सर, क्या होता है सर ये? किनशिप बॉन्ड में क्या कहा, जो फैमिली में जो हेड होता है उसके द्वारा बनाए गए रूल्स उनको फॉलो करने होते होंगे, उसे बॉन्ड मींस ए फाउंडेशन टाइप की होगी, फाउंडेशन जो हम कह देते हैं। तो किनशिप मींस रिलेटेड टू द फैमिली, तो फैमिली रिलेशन कहते हैं। तो फैमिली के फैमिली मेंबर के द्वारा, फैमिली हेड के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना, यहाँ पर उसे किनशिप बॉन्ड। भव्य यस सर, सर वहां पर ना सर उस तरफ सर जो फर्स्ट पॉइंट है मेनी रूट्स इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो, सर वहां पर उसके आगे जो है लाइट पड़ रही है वहां पर बहुत मेनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट did not follow the social rules, the social rules है, clear? okay sir, okay sir, rules and rituals, okay. Person, are you saying something? Network नहीं है person के यहाँ। Person आपके यहाँ network नहीं है। Network ही नहीं है। चलो
अब इतनी बात हमारी होगी ट्राइबल्स के बारे में, अब हमें देखना है कि इंडिया में जो रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं करके उनका थोड़ा नेम डिस्कस कर लें, क्योंकि आज हम नेम डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे होगा उसमें उनके एरिया भी डिस्क्राइब करते रहेंगे। पूरा एक हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आपको एक मैप भी बनाना पड़ेगा, तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका एरिया कहाँ कहाँ पर है करके ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो मोस्टली अब जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड के जो रिमोट एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर है, और यहाँ आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, तो यहाँ क्या है जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये अपने अपने रिमोट एरिया में रहने वाले ग्रुप्स हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी बहुत अच्छी जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं यानी है उसमें। अगर आपके पास बुक है तो बुक में अपना पेज नंबर 3 ओपन, सॉरी 93 पेज ओपन करना, वहां एक मैप दिखेगा आपको, उस मैप पर लिखा है ऊपर से ऊपर लिखा है खोखर से लिखा है खोखर यानी धक्का से, यह हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया में लगा ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और भील कोली ये है लगभग गुजरात और राजस्थान के एरिया में, भील और कोली सबसे नीचे छठा वाला एरिया है महाराष्ट्र, वहां पर भी आपको भील दिखा रखे हैं और कोली दिखा रखे हैं, और उसी के राइट साइड में गोंडवाना लिखा है और कौन से लिखा है कॉन्टिनेंट बेंगाल, कॉन्टिनेंट जो बेंगाल है वो गोंडवाना लैंड कहते हैं, ये गोंडवाना लैंड है थोड़ा महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा मध्य प्रदेश का एरिया और कुछ छत्तीसगढ़ का एरिया, इन तीनों स्टेट के उस एरिया को मिला करके गोंडवाना लैंड एरिया बनता है, वहां पर गोंड से रहते हैं क्यू आई डी है गोंड से ट्राइब है उसको गोंड कहते हैं आजकल महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेराट, और एक है कोरगाज, कोरगाज कोरगाज भी वहीं पर है महाराष्ट्र और गोवा के आसपास। नीचे लास्ट में दिया गया है साउथ में मारवाड़ से दिया गया है, उसके मारवाड़ से हमारे राजस्थान में होते हैं, लेकिन ये साउथ इंडिया का भी ट्राइबल ग्रुप दिखाया गया है मारवाड़ से करके, और जितना अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में वहां पर नागालैंड में नागाज कहते हैं, नागाज की आधारभूत नागालैंड बना है, नागाज एक ट्राइबल ग्रुप है, और एक अहोम्स है अहोम से आसाम के आसपास, मुंडाज मुंडाज हमारे हाइब्रिड में भी रहते हैं बिरसा मुंडा अर्जुन मुंडा, तो मुंडा का एक ट्राइबल ग्रुप से है, और इसके साथ साथ ये नॉर्थ ईस्ट में भी है मेघालय के आसपास, संथाल 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 पर्गना एरिया कह देते हैं वहां पर, तो रहने वाले ट्राइबल से संथाल कहा जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट साइड दिखाया गया है ये त्रिपुरा के आसपास, और मेघालय और ये डिकुज एक वहां की ट्राइबल ग्रुप है, डिकुज वहां पर ट्राइबल ग्रुप से है, और फिर वहां अगर हम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास जाए तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन से ट्राइबल ग्रुप है के एच ओ एन डी एल, और एक है चिरोज, चिरोज जो वेस्ट बंगाल के आसपास का है सी एच ई आर वाई चिरोज, ये जो मेन मेन ट्राइब्स हैं ये हम लोग डिस्कस करती है
और जो नेक्स्ट डे है हम थोड़ा लोकेशन भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, आप एक नया भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ आपने लोकेशन ऑफर की है इन प्रेजेंट के स्पेस में। इसमें बोल रहा है प्लान करके, तो प्लान में तो क्या बताया गया कि प्लान ये क्या ग्रुप ऑफ द पीपल लोगों के जो समूह होते थे एक साथ चलने फिरते रहते थे उसके लिए यहाँ पे प्लान वर्ड यूज किया गया है CLAN। इसमें लिखा भी है प्लान इज ए ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउसहोल्ड से क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लान लॉयल्टी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल ग्रुप से है अपने क्लान पर डिपेंड होते हैं और उनकी प्रिंसिप पर डिपेंड होते हैं। यह हो गया। तो अभी आपका टाइम ओवर होने वाला है, इतनी चीजें हो गई हैं, तो एक बार अभी कुछ लोग जुड़े हैं मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं, जिसका असाइनमेंट नहीं हुआ है वो अपने असाइनमेंट पर फिर से एक बार सबमिट करके ट्राई कर ले। मैंने आप सबके कमेंट देखे उस पर जितने भी आए थे, और उससे अगला आपका एक डिफेंस सर की ओर से एक सरप्राइज जारी किया गया था कि जो वर्चुअल रन है आप अपने घर पर थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए रनिंग करते हुए वीडियो बना ले उसका, उसे उस मेल आईडी पर सबमिट कर दें जो मेल आईडी उस पर दी गई है। तो उनका आज फिर से कहा था एक रिमाइंडर आप दे दे करके, क्योंकि बहुत कम लोगों का है वो सीधे सीक्रेसी को जाना है, आपका रिकॉर्ड वहां मेंटेन हो जाएगा। क्लियर, ये इनकी ओर से रिमाइंडर है और मैंने अपने अपना भी रिमाइंडर बता दिया, उनका भी रिमाइंडर बता दिया। ठीक हो गया। अब बाकी उसमें आपको कोई क्वारी है कि वो जो वर्चुअल रन वाला है फिट इंडिया मूवमेंट वाला, आप निवेन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनको। चलो ठीक है, अभी अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, हम नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे।